फौजी पिता ने बड़े ही अरमानों से अपनी एक लौती बेटी की शादी धूमधाम से अनूपपुर में की थी, लेकिन शादी के करीब 6 साल बाद अब वही लाचार पिता बेटी को इंसाफ दिलवाने में महिला थाने पहुंचा है। ताजा मामला रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र के क्योटी गांव का है, जहां के रहने वाले एक्स आर्मी चंद्र कुमार तिवारी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी 2017 में अनूपपुर के सुरलभ शर्मा से की थी। वहीं पर पूरा विवाह रीति रिवाजों के साथ खुशी खुशी संपन्न हुआ, लेकिन विवाह के कुछ माह बाद ही ससुराल वालों की प्रताड़ना शुरू हो गई, जो समय के साथ बढ़ती रही। तब आज पिता और बेटी महिला थाना पहुंचकर ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला और उसके पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से पति के साथ कोई भी पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं है। सास ससुर पति देवर सभी दहेज लाने की मांग करते हुए मारपीट करते हैं। वे कहते हैं कि तेरे बाप ने कुछ दिया ही नहीं, इसलिए एक स्कॉर्पियो वाहन अपने पिता से मांग। शादी के 6 साल हो गए, आए दिन मारपीट की जाती है। पिता ने कहा कि विवाद की जानकारी होती थी जिस पर समझौता करा दिया जाता था, लेकिन लगातार बढ़ रहे मारपीट और प्रताड़ना के बाद मजबूरन शिकायत की है और पुलिस से इतनी मांग की है कि बेटी को इंसाफ मिले और दोषियों को सजा। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी ने कहा कि दहेज प्रताड़ना की शिकायत मिली है, दोनों पक्षों को थाने बुलाकर सुना गया है, बयान लिया जा रहा है और जाँच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी बच्ची की नाम दीक्षा तिवारी है, मैं चंद्र कुमार तिवारी, रिटायरमेंट कोबरा कमांडो। 2017 23 अप्रैल को मैंने अपनी बेटी की शादी राबेन शर्मा के बेटे सुरलभ शर्मा, अनूपपुर पुरानी बस्ती, इनके साथ मैं अपनी बेटी की शादी किया। और शादी में सर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको सामान दिया, इसमें मैंने 8 लाख रुपए नगद तिलक में और सोना और बुलेट गाड़ी और कई किस्म के जितना भी सामान था इनको दिया। इसके बाद ये जाके बच्ची को हमारे 1-2 महीने तो अच्छे से रखे सर, इसके बाद उसको प्रताड़ित करने लगे, उससे सर स्कॉर्पियो की डिमांड करने लगे गाड़ी की और हमको 4-व्हीलर। तेरा बाप रिटायरमेंट आया है, उसके पास बहुत पैसा है, ब्लोरो है, उसके पास ये है, तो बच्ची मेरी बताई नहीं है, पहले माँ को बताई, 1-1.5 साल बाद सहती रही उनकी प्रताड़ना। और इसके बाद 2-3 साल तक इनका सहने के बाद समाज और उसके डर से मेरी बेटी कहीं कोई कदम अपने जीवन के लिए नहीं उठाया, सहती रही, इनको बहुत प्रताड़ दिया, कई बार सास ने इसका गला भी पकड़ा। फिर हम अपने परिवार और समाज के कई आदमियों को ले जाके इनके यहाँ समझौता का भी प्रयास किया, इनको समझाया, इनसे विनती किया, एक दो महीने अच्छे से रहने के बाद फिर ये प्रताड़ित करने लगे। और अभी इतना प्रताड़ित किए कि मेरी बच्ची को अभी मैं उसके लेने के लिए जाना पड़ा कि उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे लेके आया, उसका सारा जेवर वगैरह ये रख लिए, मैं अपनी बेटी को लेके आया और अभी आके अपना रीवा महिला थाना में मैं उसके आवेदन दिया। और मैं शासन प्रशासन से अपना अनुग्रह अनुरोध करता हूँ और विनती करता हूँ। रिटायर भी हुए हैं ना? मैं रिटायरमेंट 2017 में हुआ सर। क्या डिमांड क्या करते हैं? जी जी, क्या मांग? मांग सर, इनका मांग है सर है कि जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी या 4-व्हीलर कोई भी गाड़ी बोलती, बच्ची से बोले हैं सर कि हमको गाड़ी चाहिए, तेरा बाप को बोलो गाड़ी के बोला था 4-व्हीलर दे हमको, तो उसी के तहत ये हम उसको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्ची ने बताया पति से कोई रिलेशन नहीं रहा करीब 6 साल शादी। हाँ सर, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, ये कहीं इसका नाजायज संबंध है लड़के का किसी से, बच्ची के साथ कोई रिलेशन नहीं करता है, बच्ची के नज़दीक ही नहीं रहता है ये, मतलब हमेशा बाहर रहेगा और माँ के कहने पर आएगा तो उसको कहीं गला पकड़ेगा, कहीं मारेगा, माँ भी मारेगी। ससुर है राबेन शर्मा, वो भी प्रताड़ित करते हैं, इसका देवर है वो भी कई बार घसीटा है, मारा है सर। पूरा परिवार भगाना चाहता है? हाँ, पूरा परिवार इसे पीछा छुड़ाना चाहता है कि इसको मतलब हम ये तो परेशान होके अपना परेशान होके कोई गलत कदम उठा ले, कुछ कर ले, ऐसा करके सर बहुत ही प्रताड़ित किए, बहुत ज़्यादा। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहता है सर कि हमारी बच्ची के न्याय मिले सर, और उसका जो भी उसके मतलब प्रताड़ित करने वाले हैं उनको सजा मिले और बच्ची को हमारे न्याय मिले सर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्र कुमार तिवारी, रिटायरमेंट कोबरा कमांडो। मैं सर यही बार बार आग्रह करता हूँ शासन प्रशासन से कि बच्ची को न्याय मिले। रेडी? हाँ रेडी।
महिला थाने आई हैं, आप क्या शिकायत लेके आई? मैं दहेज प्रताड़ना कर शिकायत लेके आई हूँ। मेरे साथ मारपीट और दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा देवर मेरे पे बुजरी नज़र रखता है। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी किया है कई बार, और मेरी सास मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरी गले दबाई है और मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं और मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं। मेरे लोग बार बार बोलते हैं कि मेरे अपने पापा के यहाँ से गाड़ी ले आऊँ, जबकि मेरे पापा बहुत सामान दिए थे, जो भी दहेज में लगता है सब जमा दिए थे। फिर भी वो लोग बोल रहे हैं कि उनको गाड़ी चाहिए और पैसे, वो स्कॉर्पियो मांग रहे हैं। मेरे पापा कहाँ से ला के दे, जितना दहेज देना था दे चुके थे। वो लोग बोले कि तुम्हारे पापा भी रिटायरमेंट हुए हैं तो उनको बहुत पैसे मिले होंगे, तो वो दे हमको गाड़ी दे और दे दहेज, और एसी ओसी भी नहीं दिए वो, सब दे हुए। और जब मैंने ये सब वो किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना, मेरे साथ वो करना, और देवर का बुरा बर्ताव मेरे साथ, मेरा गला दबाना, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना, मुझे प्रताड़ना देना, ये सब शुरू हो गया। उनका हस्बैंड भी मारपीट करते और वो मेरे साथ वो नहीं रहते हैं, मेरे साथ मतलब पति पत्नी वाला संबंध नहीं रखते हैं, वो दूसरा कहीं उनका कोई चक्कर चल रहा है। और मेरे जो ससुर हैं वो इन सब चीज़ों में मतलब उनका सबका सपोर्ट रहता है, बहुत साथ देते हैं वो ये सब चीज़ों में। और ये लोग बोलते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमारे पास पैसे की पावर है, हम पैसे की पावर से कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने साल हो गए शादी को आपकी? हमारी शादी को अभी 2023 में 7 साल हो जाएंगे, अभी 2024 में। बच्चे नहीं हैं, बच्चे के लिए भी प्रताड़ना होती है मेरे को कि तुम्हारे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि ये लोग वो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बहुत प्रताड़ित हो गई हूँ, मुझे बहुत मारते पीटते हैं बहुत, और मेरे को निकाल भी दिया गया घर 11 तारीख के डेट को, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया गया था 11 फरवरी को, तो मेरे पापा वहाँ गए हैं और मुझे ले के आए हैं। दीक्षा शर्मा। ये क्योंटी क्षेत्र अंतर्गत लालगांव थाना लगता है, वहाँ से एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। उक्त शिकायत को हमने संज्ञान में लेकर दोनों पक्षों को, क्योंकि उसका ससुराल अनूपपुर में है, तो ससुराल पक्ष को भी बुलाया था और दोनों पक्ष को थाने बुलाकर समझाइश दी गई है, जिसमें हाँ शादी को 7 वर्ष हो गए हैं, परंतु पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल और सामंजस्य अच्छा नहीं है, जिस बात को लेकर महिला ने आरोप लगाया कि एक दो बार ये लोग मेरे साथ मारपीट कर चुके हैं, परंतु पारिवारिक मतलब सुधार के कारण मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की है, परंतु अब वो पति के साथ रहना नहीं चाह रही है, जिस कारण से उसने थाने में शिकायत की है। दहेज की मांग कर रहे हैं, स्कॉर्पियो की मांग कर रहे हैं। महिला ने बताया है कि शादी के बाद से मुझे 5 लाख रुपए की मांग और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए ये लोग तंग कर रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी हमने दोनों पक्ष को सुना है और आपसी तालमेल बने, क्योंकि पारिवारिक मामला है तो दोनों के बीच शादी संबंध अच्छे बने, जिसमें हम इनका मीडिएशन कराने के लिए इनको एक निर्धारित 3 मीडिएशन कराएंगे, और उसके बाद जैसा भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।